माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आज पता है आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, वेक्टर्स में डायरेक्शन नापने का सबसे आसान तरीका। वेक्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट, वो है एंगुलर वेरिएबल्स का डायरेक्शन कैसे होता है। कि यार एंगुलर वेरिएबल्स का वेक्टर डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिए कि एंगल कवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर इंपल्स। राइट हैंड थंब रूल मेरे को सारे ही एंगुलर वेरिएबल्स क्या डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। तो इसमें मैंने तीन केसेस आपके सामने बना रखे कि एंगुलर वेरिएबल इन्हीं तीन तरीकों से मूव कर सकता है। या तो भाई इस प्लेन पे मूव करेगा, या फिर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेगा, या फिर इस वर्टिकल प्लेन पे मूव करेगा, बस खत्म। और कौन से प्लेन पे मूव करेगा। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली आपने कि वेक्टर का डायरेक्शन एंगुलर वेरिएबल के लिए समझा दिया, जो कि बहुत ज्यादा सही में समस्या देता है। दूसरी समस्या जो डायरेक्शन की होती है वेक्टर्स में, वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट। कहां होती है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं अभी से बता रहा हूं ताकि सवाल में कभी फंसो, क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में, और क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य में। माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आज पता है आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, वेक्टर्स में डायरेक्शन नापने का सबसे आसान तरीका। समझो इस बात को कि वेक्टर्स ने आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर दे रखी है डायरेक्शन के अवेयरनेस में। जहां पे भी मैंने यहां पे इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनके क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस से मैं आप तक यही चीज बता सकता हूं कि ऐसी दो जगह हैं जहां पर वेक्टर के डायरेक्शन लिटरली कंफ्यूज कर देते हैं एक स्टूडेंट को। सबसे पहला जो जो सेक्शन है जहां पे वेक्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट, वो है एंगुलर वेरिएबल्स का डायरेक्शन कैसे होता है। कि एंगुलर वेरिएबल जैसे कि अल्फा, जैसे कि थीटा, जैसे कि आपका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, फिर टॉर्क आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम, इसमें डायरेक्शन कहां से आता है ये नहीं समझ पाता, सबसे पहली दिक्कत। और दूसरी दिक्कत वो वहां फेस करता है जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ही थ्री डायमेंशनल स्पेस में बातें चली जाती है वहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। तो टेंशन मत लो, यहां आज जो मैं मेथडोलॉजी बताऊंगा उसके बाद वेक्टर के डायरेक्शन को तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ ही जाएगा, साथ ही साथ उसके सवाल भी इतने इजीली बनेंगे कि नीट में यूं सवाल निकाल लोगे। तो आप फटाफट से शुरू करते द इजीएस्ट मेथड टू नो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहली चीज जो है कि यार एंगुलर वेरिएबल्स का वेक्टर डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स यहां पे मैंने आपके सामने लिख दिए कि एंगल कवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर इंपल्स। इन सारे एंगुलर वेरिएबल्स का हम डायरेक्शन कैसे नोन करते हैं, आओ इस चीज को जानते हैं। तो इन सारे ही एंगुलर वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, तो इन सारे एंगुलर वेरिएबल्स का अगर मुझे डायरेक्शन जानना है तो मैं एक रूल यूज करता हूं और वो है राइट हैंड थंब रूल मेरे को सारे ही एंगुलर वेरिएबल्स क्या डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। और कैसे एंगुलर वेरिएबल हेल्प करता है, कैसे राइट हैंड रूल हेल्प करता है डायरेक्शन जानने में, आओ समझते हैं। तो इसमें मैंने तीन केसेस आपके सामने बना रखे। पहला केस आपके सामने ये रहा जहां पे इसी प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है ये रहा, जो कि मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये वही डायरेक्शन है जो कि आपकी घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब आपकी घड़ी इस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्लेन पे, इस डिजिटल बोर्ड के प्लेन पे अगर मोशन इस तरीके का है, अगर इस तरीके का मोशन है एंगुलर वेलोसिटी या एंगल कवर्ड इस तरीके का है, तो जो डायरेक्शन होगा, जो थीटा वेक्टर होगा या फिर जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उसका ज्ञान करने के लिए आपको आपका राइट हैंड चाहिए और आपकी उंगलियां उसी डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो देखते हैं क्या ये डायरेक्शन वही है, क्या ये वह डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, क्या मेरी उंगलियां भी वैसे जा रही है। हां जी, तो अंगूठा देगा उस वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब ये जो भी एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगल कवर्ड हो, जो भी हो, इसका जो डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा बाहर की तरफ, और बाहर के डायरेक्शन को हम बड़े प्यार से डॉट डायरेक्शन यानी आउट ऑफ द प्लेन भी कहते हैं। समझ में आया पहला केस। दूसरा केस है यहां पे कि घड़ी के अनुसार घूम रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो उंगलियां वैसे ही घुमाओ, कहां जा रहा है अंगूठा, अंगूठा इनटू द प्लेन जा रहा है। इनटू द प्लेन का मतलब है ये क्रॉस डायरेक्शन से इनटू द प्लेन दिखाया जाता है। आई थिंक समझ में आया आप लोगों को कि अगर इसी आपके सामने वाली स्क्रीन पे अगर ऐसे मोशन कर रहा है, तो आप सोचो ये इस बोर्ड पे ना होके इस तरीके से हो रहा है, मतलब इस हाथ पे हो रहा है,
मेरे इस हाथ पे मोशन हो रहा है, जिसको मैंने यहां पे इस तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है। मेरे हाथ पे मोशन हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन हो रहा है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन एक बार कुछ इस तरीके का होगा और दूसरी बार में इस तरीके का होगा। समझ रहे हो बात को? एक बार इस तरीके का, दूसरी बार इस तरीके का, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन इसमें बताते हैं, इस तरीके का मोशन है तो उंगलियां ऐसे जाएंगी, हाँ या ना? उंगलियां ऐसे जाएंगी। अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये रहा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस तरीके से क्या होगा? उंगलियां ऐसे जाएंगी। इस तरीके का मोशन है, उंगलियां ऐसे जा रही है, अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। क्या बात है! तो ये इसका डायरेक्शन हो गया वेक्टर का, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। चलो सर, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करोगे आप? नेक्स्ट बात करते हैं सर इसकी। ये कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। ये मेरा हाथ देख रहे हो आप, ये इस प्लेन में हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। अब इधर हो रहा है तो इसमें दो केसेस हैं। एक तो केस ये है कि इस तरीके से हो रहा है, दूसरा इस तरीके से हो रहा है। एक केस में लाइक दिस ऐसा हो रहा है, दूसरे केस में ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे कौन सा केस है? यहां पे कौन सा केस है? यहां पे ये वाला केस है। ये इस तरीके का मोशन है, ऐसे अंदर जाके फिर बाहर आ रहा है, अंदर जाके फिर बाहर आ रहा है। ये इस वर्टिकल प्लेन का मोशन है, इस वर्टिकल प्लेन का मोशन है, इस तरीके का हो रहा है। तो उंगलियों को ले जाओ ऐसे, ये आगे उंगलियां सर, ये आगे उंगलियां, अंगूठा कहां जा रहा है? इधर। तो ये हो गया सर वेक्टर का डायरेक्शन। और इसमें क्या हो रहा है? ये रहा मोशन, इस तरीके का मोशन, इसी प्लेन में हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से उंगलियां वैसी गई सर, अंगूठा कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। तो आई थिंक ये तीनों ही केसेस से एंगुलर वेरिएबल से रिलेटेड डायरेक्शन आप आराम से समझ जाओगे। मानते हो कि नहीं मानते कि एंगुलर वेरिएबल इन्हीं तीन तरीकों से मूव कर सकता है? या तो भाई इस प्लेन पे मूव करेगा, या फिर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेगा, या फिर इस वर्टिकल प्लेन पे मूव करेगा। बस खत्म। और कौन से प्लेन पे मूव करेगा? यही तीन प्लेन है। अब इन तीन प्लेन के अकॉर्डिंग क्या मैं डायरेक्शन आज के बाद बता दूंगा? बिल्कुल बता दूंगा। क्या मेरे से अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी, थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ भी पूछता, बता दूंगा? बिल्कुल बता दूंगा। डन बात बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली आपने कि वेक्टर का डायरेक्शन एंगुलर वेरिएबल के लिए समझा दिया, जो कि बहुत ज्यादा सही में समस्या देता है। दूसरी समस्या जो डायरेक्शन की होती है वेक्टर्स में, वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट में। कहां होती है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी केस देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का भी केस देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सी वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी से निकालना है। ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना है। अब इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल है, इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल है। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? बोलता है अपनी उंगलियों को ए वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाओ और उंगलियां उसी डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है। सी वेक्टर तुम्हारा अंगूठा बताएगा। बताओ कितना सही एक्सप्लेनेशन है। ए वेक्टर को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां हैं। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा आपका वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मूव होंगी और अंगूठा आपका रिजल्ट दिखाएगा। सर एग्जांपल बताओ, आओ तुम्हारे सामने फिर से तीन केस बता दिए। फिर से तीन केस है। देखो, ए वेक्टर को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां जा रही है। हाँ जी, अब ये तो ऐसे जा सकता था या ऐसे जा सकता था। मानते हो कि नहीं मानते? ए वेक्टर के डायरेक्शन में या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। अगर ये होगा तो ये तो नीचे ही घूम पाएगी ना सर उंगली। उंगलियां किसी की ऊपर घूम सकती है क्या? कोई है तो मुझे बताना कमेंट में जिसकी उंगलियां ऊपर घूम सकती है। ऐसा तो कोई होगा नहीं। उंगलियां नीचे ही घूम सकती है, उंगलियां नीचे घूम सकती है, लेकिन सर बी वेक्टर तो ऊपर है। मतलब ये वाला नहीं होगा अरेंजमेंट, ये वाला होगा, क्योंकि उंगलियां ऐसे ही घूम सकती है बी के डायरेक्शन में। तो ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो अंगूठा कहां आ रहा है? अंगूठा कहां आ रहा है? अंगूठा सर आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, जिसको हम डॉट डायरेक्शन से देते हैं। आ गया मेरा सी वेक्टर, ये रहा मेरा सी वेक्टर। क्या बात है सर, वेरी गुड। दूसरा इसमें देखते हैं, ए कहां है? ए सर ये रहा। तो अब ए में ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा डायरेक्शन लोगे सर? जो लेना है ले लो, लेकिन अगर ये लोगे उंगली ऐसे जाएंगी, बी वेक्टर इधर है? नहीं। ये लोगे उंगली ऐसे जाएंगी, बी वेक्टर इधर है? नहीं। ऐसे लोगे बी वेक्टर ऊपर है क्या? नहीं। ऐसे लोगे बी वेक्टर इधर है क्या? हाँ। तो ऐसे लेना पड़ेगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां मूव कर रही है। अंगूठा कहां जा रहा है? इधर। अंगूठा इधर जा रहा है, यानी कि ये रहा सी वेक्टर। ठीक है सर, ओके। कई बार होता है कि सी और बी दे देते हैं, ए पूछ लेते हैं। कई बार होता है सी और ए पूछ लेते हैं, बी देते आप सी और ए दे देते हैं, बी पूछ लेते हैं। तो कोई नहीं, वो भी बता देता हूं। एक केस ऐसा बता देता हूं जिसमें सी और बी दिया हुआ है, ए पूछ रहे हैं, सी और बी दिया, ए पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां पर अंगूठे का डायरेक्शन फिक्स कर दिया। अंगूठा ये रहा, अंगूठा ये रहा। अब ये उंगलियां कहीं भी ऐसे ऐसे हो सकती है, इधर हो सकती है या ऐसे इस डायरेक्शन में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है भाई उंगलियां, है कि नहीं? चलो ठीक है, उंगलियां कहीं भी हो, उंगलियों का घुमाव बी की तरफ होना चाहिए। उंगलियां कहीं भी हो, उंगलियों का घुमाव बी की तरफ होना चाहिए। अगर मान लो उंगलियां इधर है तो इधर घूमेंगी, इधर है तो इधर घूमेंगी। क्या इधर है बी? नहीं। इधर है तो उधर घूमेंगी? नहीं। अगर ऐसे हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगी, बी इधर है, हाँ, यानी ए वेक्टर इधर ही होगा। ये रहा डायरेक्शन ए वेक्टर का, ये रहा डायरेक्शन ए वेक्टर का। समझ में आया कि नहीं आया?
तो अगर सी वेक्टर इधर है, अंगूठा फिक्स हो गया, ए इधर होगा और बी देखो उधर जा रहा है, तो इस तरीके से तुम ए वेक्टर भी निकाल सकते हो, है कि नहीं? अप्रोच सही लगा आपको कि नहीं? इस तरीके से आप वेक्टर का डायरेक्शन देखो, चुटकियों में निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी आप मूविंग चार्जेस में मैग्नेटिज्म पढ़ो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो वेक्टर्स का एनालिसिस, या फिर रोटेशनल में देखो, जहां पे भी वेक्टर समस्या देंगे, इनको हमेशा याद रखना, इन दोनों ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, क्योंकि यही दो हैं जो कि सबसे ज्यादा समस्या देती है। और मजे की बात बताऊं, आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि उन्हें इन सब में प्रॉब्लम है, वो तो जब सवाल में फंसते तब जाके रियलाइज होता है, अरे सर ये तो पता ही नहीं था। तो मैं अभी से बता रहा हूं ताकि सवाल में कभी फंसो, क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में, और क्लैरिटी रहेगी तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो बस इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। आई सपोज इस सेशन का जो एजेंडा था आप लोगों को वेक्टर के डायरेक्शन का अवेयरनेस देना, वो आप लोगों को मिल चुका है। तो इसी की तरह से अपन मिलेंगे एक और एक कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।